आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर जब से हमले की खबर सामने आई है तब से हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में हर कोई स्वाति मालीवाल के बयान का इंतजार कर रहा है, तो वहीं अब उनके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्वाति मालीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। सोमवार को स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने हमला किया। इसको लेकर रेखा शर्मा ने हैरानी जताई और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं स्वाति मालीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। उन पर ऐसा कौन सा दबाव है कि वो आगे आकर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करा पा रही। साहसी बनो स्वाति, स्पीक अप। तो वहीं बीते दिन इस पर आप नेता संजय सिंह का बयान जब सामने आया तो साफ हुआ कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ गलत हुआ है, वरना सब कुछ ऐसे ही अफवाहों में चल रहा था। संजय सिंह ने इस पर क्या कहा, ये भी सुनिए। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर इस मामले में और क्या अपडेट सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।